अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है न्यूज़ चैनल। न्यूज़ चैनल के अंदर जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं मालूम, या हम उनको देखते तो हैं लेकिन उसको महसूस नहीं कर पाते, या सिंपल वे में इसको इस तरह कहा जा सकता है कि हम मैनिपुलेट हो रहे होते हैं लेकिन हमें इस बात का पता नहीं होता। बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या न्यूज़ चैनल की, और या उसका पर्पस क्या था, किस लिए ये न्यूज़ चैनल जो है वो आज तक प्रिवेल कर रही है इंडस्ट्री। दूसरा, न्यूज़ चैनल ने अब हमको किस तरह जो है वो मैनिपुलेशन शुरू कर दी है और हम जो है वो अपनी मर्जी के ख़िलाफ़ जो है एक ओपिनियन की तरफ जाते हैं जो कि न्यूज़ चैनल हमें जिस पर ड्राइव करना चाहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इसके अलावा हम पे जो है वो मेंटली इसके असरात किस तरह मुरत्तब होते हैं और उसमें किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, न्यूज़ चैनल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो किस तरह इसको बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि एक आर्टिकल जो कि हमारी वेबुलस टीम ने इसके ऊपर रिसर्च करके फिर उसको लिखा है, हम इस आर्टिकल को आपके लिए पढ़ेंगे और साथ में कुछ डिस्कशन का सिलसिला भी जारी रहेगा, मतलब हम साथ साथ में इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करते रहेंगे ताकि कोई भी अगर ग्रे एरिया में कोई ऐसी बात है जो शायद आपको क्लियर ना हो तो हम उसको क्लियर कर सकें। तो आइए पढ़ते हैं। न्यूज़ मीडिया जदीद ज़िंदगी का लाजमी जुज़ होता है क्योंकि ये मालूमाती और तालीमाती किरदार अदा करता है। इससे लोगों को अपने आप को अपडेट करने और आसपास के माहौल से आगाह करने में मदद मिलती है। मजीद बरां ये इन्हें माशरे और दुनिया के बारे में अमूमी तौर पर बाशऊर रखता है। टेलीविजन की खबरें खास तौर पर इसके ऑडियंस को 24 घंटे लाइव कवरेज फराहम करती है जिसमें बार बार टेलीकास्ट के जरिए ऑडियंस की कसीर तादाद को अपडेट किया जाता है। नामा निगारों की ताज़ा तरीन खबरों की इतला दहिंदगी के लिए की जाने वाली कोशिशों और खतरात का वसी पैमाने पर फ़ायदा उठाया जाता है। ताहम बहुत सारे हकायक न्यूज़ चैनल के बारे में ऐसे हैं जो हमसे छुपाए जाते हैं। बहुत से रिसर्चर्स के मुताबिक न्यूज़ चैनल अपनी नौयत बदल चुके हैं। प्रिंट मीडिया से लेकर बराह रास्त टेलीकास्ट तक खबरों की मिजाज और पेशकश में बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। तशद्दुद की खबरों को सनसनी खेज बनाना एक मतनाज़ मौजू है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भर में होने वाले तशद्दुद के वाकयात को मिर्च मसाला लगाकर पेश किया जाता है। इसी वजह से इसकी बढ़ती हुई रिपोर्टिंग एक चैलेंज बन चुकी है। ये जानकर हैरत होगी कि टेलीविजन जो हमेशा तफरी और मालूमात का जरिया समझा जाता था अब बहुत सारे मनफी नफसियाती असरात की एक वजह बन गया। अब आप ये देखिए कि हमारी जो ऑडियंस होती है वो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाती है। किसी भी खबर को इस तरीके से बताया जाता है, इस तरह कन्वे किया जाता है, फुल हाइपरटेंशन लिविंग वाली सिचुएशन के अंदर लाकर उसको इस तरह डिलीवर किया जाता है कि आप उस खबर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको सही समझने लगते हैं। खबर सही भी हो सकती है, खबर गलत भी हो सकती है, या वो किसी और तरफ आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। तो अगर इस तरह कोई भी आप तक मैसेज पहुंचाया जाएगा तो आप इजीली कन्विंस हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर जाहिर है आप न्यूज़ चैनल क्यों देखते हैं, आप जो एनालिस्ट की जो बातें हैं वो क्यों सुनते हैं, ताकि आप खुद अपडेटेड रहें। ज़ाहिर आप अपने सर्कल्स में बैठते हैं, अपने दोस्तों यारों में बैठते हैं तो उनमें ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, ख़ास तौर पर पॉलिटिक्स, ठीक है। और जब वो बातें जो आपने न्यूज़ चैनल पे देखी होती हैं वो आप डिस्कस करते हैं तो ज़ाहिर वो चीज़, चाहे खबर वो सही है गलत है, वो आगे कन्वे हो रही होती है और ये बात जो है वो वर्ड ऑफ माउथ के साथ जो है वो आग की तरह फैल जाती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो बहुत से सियासी इंतशार, दहशतगर्द हमलों और दीगर संगीन
مشکلات سے گزر رہا ہے۔ نیوز چینل کو اکثر گھریلو افراد میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا اتنا موثر ذریعہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی حد تک براہ راست کوریج اور عمدہ گرافیکل پریزنٹیشن کے ساتھ مقبول ہونے کے لیے تازہ ترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس کے بہت سے ڈس ایڈوانٹیج اور اس کے بہت سے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہی کمرے میں تشدد کے براہ راست واقعات اور متاثرین کی حقیقی اموات کو دیکھنے کا سبب بنتا ہے۔ واقعات میں فوری اور ذاتی دخل اندازی جو نفسیاتی بدحالی کا سبب بن سکتی ہے۔ حملوں کے براہ راست کوریج، اس کے اسباب کے بارے میں قیاس آرائیاں، واقعات کا بار بار جائزہ اور مستقبل میں اس طرح کے حملوں کا امکان کو بیان کرنا نیوز چینل کا معمول بن چکا ہے۔ اگرچہ براہ راست کوریج کو خطرناک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی کوریج کی وجہ سے پیدا ہونے والے تناؤ کی ایک صورتحال کو جنم دیتا ہے جس کا بڑے پیمانے پر ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ناظرین کے کسی بھی منفی خبر کو دیکھنے کے بعد افسردگی اور اضطراب کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک شخص اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے ساتھ اس طرح کے تجربات کو جوڑ سکتا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ جب ایک خبر دیکھ لیتے ہیں اور کوئی سانحہ دیکھ لیتے ہیں، کوئی حادثہ دیکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ چیز آپ کے ذہن پہ سوار رہتی ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، اس کو بار بار ڈسکس کیا جاتا ہے، بار بار اس کے اثرات پہ بات کی جاتی ہے، بار بار اس کو اس طرح جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جاتا ہے کسی بھی دوسری صورتحال میں، جو کہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح بتائیں گی کہ جیسے اگلے وقتوں میں یہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ 9/11 جو ہے اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بہت لوگوں نے، بہت چینلز نے اس کو ڈرائیو کیا اور بہت زیادہ غلط طریقے سے اس کو مینیپولیٹ کیا گیا۔ اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ آپ کو بے تحاشا ایسی ویڈیوز نظر آ جائیں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے اپنے جو ہے وہ پروڈکٹس تک کو 9/11 کو بیس بنا کے بیچا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو جو چیز دکھائی جا رہی ہے، جو چیز بتائی جا رہی ہے، جو بات آپ سے کہی جا رہی ہے، جس کا ذکر وہ کرنے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں آپ سے، اس کا بیسیکلی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو پرو ایکٹیو ہو کے نیوز چینل کو اب واچ کرنا پڑے گا، تاکہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہیں وہ کسی غلط ڈائریکشن کی طرف نہ چلے جائیں۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس سے صرف آپ افیکٹ نہیں ہوتا ہے، آپ کی فیملی بھی ہوتی ہے، آپ کا سرکل بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ مثبت خبروں سے زیادہ منفی خبروں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ نیوز چینل کے انکشاف کردہ اعداد و شمار کے مطابق سسپنس سے بھرپور خبریں کسی بھی دوسرے حصے کی نسبت، یا دوسرا جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ان کا ہر خبر کا یا ہر شو کا، وہ زیادہ فروخت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو جس میں زیادہ سسپنس ہوگا وہ آپ کا سیگمنٹ زیادہ اچھا بکے گا۔ یہاں تک کہ لوگوں کو منفی انداز میں چیزوں اور حالات کا تصور کرنے میں، زندگی میں دباؤ محسوس کرنے کی اطلاع دی جاتی ہے، اور یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے۔ مذکورہ فیشن میں پیدا ہونے والے یا مذکورہ حالات میں پیدا ہونے والے تناؤ کا اثر، سٹریس کا اثر زندگی کے دیگر شعبوں پر بھی پڑتا ہے۔ ٹی وی پر نظر آنے والی تصاویر ذہن میں رہتی ہیں اور تناؤ کے علاوہ زبردست نفسیاتی اثرات پیدا کرتی ہیں۔ منفی نفسیاتی اثرات ہر عمر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں میں طویل مدتی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور نوجوان میں افسردگی بڑھتی ہے۔ دیٹس ٹرو، مطلب آپ اگر بہت زیادہ نیوز چینل دیکھتے ہیں، یو آر سو مچ آبسیسڈ ود اٹ کہ یو ہیو ٹو واچ دا بلٹن، یو ہیو ٹو واچ دا نیوز ہیڈ لائن، تو آپ خود اپنے اندر یہ چینجز دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت میں ایک بہت ہی نیگیٹو تبدیلی آ رہی ہے، جو کہ شاید آپ کی فیملی کو یا آپ کے سرکل میں لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہ ہو، لیکن بیسیکلی دس از ہیپننگ بیکاز آف دی نیوز یو آر لسننگ ٹو اٹ۔
एंड सो ऑन. देखते हैं और क्या बात होती है इसमें. एक ऐसे माशरे में जहाँ हम रहते हैं तशद्दुद की नुमाइश किसी भी तरह की हो सकती है. जैसे वीडियो गेम्स मीडिया के इसके गिर्दो नवा में जो बदसलूकी होती है ऐसी खबरें आपकी शख्सियत को मुतासर करती हैं. एक तहकीक में ये भी इंकशाफ किया जाता है कि मीडिया पर तशद्दुद की खबरों की वजह से बच्चों और नौजवानों में अजनबियों हमजमात और दोस्तों के साथ जारहाना रवैया बढ़ता है. इसकी ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल इधर दी गई है वीडियो गेम्स के अंदर. हमने कुछ पिछले वीडियो गेम्स देखे हैं जिसमें जो है वो किसी अरब कंट्री के अंदर जो है वो फायरिंग कर रहे हैं और दीवारों पे और जो है वो इस्लामी नारे लिखे हुए हैं और कुरान शरीफ जो है वो रखा हुआ है और मतलब इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपने ऑब्जर्व की होंगी. तो इस तरह अब वो चीज़ आपने देख ली, आपने उस गेम को खेल भी लिया और शायद आप खेलना छोड़ भी दें लेकिन वो चीज़ आपके जहन में रही कि ये चीज़ जो है ये गलत हो रही है. जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो आपके दिमाग में घूमती रहेगी और डेफिनेटली किसी जगह पे जाके किसी वक्त जाके आप उस चीज़ का एक रिएक्शन दे देंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा. ठीक है, तो इसी तरह वीडियो गेम्स, इसी तरह प्रोग्राम्स होते हैं, इसी तरह ड्रामे होते हैं, इसी तरह न्यूज़ होती है. ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्या कहते हैं जिनका ताल्लुक तशद्दुद के वाक़यात से होता है, जिसका ताल्लुक जो होता है वो एंग्जाइटी से होता है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन आपको डिलीवर की जाती हैं जिसकी वजह से आपके जहन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत नेगेटिव असर पड़ता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगरचे टेलीविज़न और ख़ास तौर पर न्यूज़ चैनल देखना एक आम फेल है, ताहम न्यूज़ चैनल की नुमाइश से किसी शख्स के तनाव में इजाफा हो सकता है, यानी कि उसकी स्ट्रेस बढ़ सकती है और खबरों के देखने की आदत इंसान की नफसियाती सेहत पर सख्त असरअंदाज होती है. न्यूज़ चैनल की नुमाइश से लोग बेबसी और जारहियत का शिकार हो रहे हैं, इनकी नफसियाती सेहत बुरी तरह मुतासर हो रही है. लिहाजा इसके सद्देबाब के लिए फौरी इकदाम होने चाहिए. ना सिर्फ ये सामईन के जहन को बुरी तरह मुतासर करेंगे बल्कि इसके साथ रहने वाले लोगों की जिंदगियों पर इनका बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो कि हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं. ये उमूमी तौर पर माशरे के पुरअमन सूरत हाल पर एक मनफी असर डालता है. दैट्स वेरी ट्रू. ये ज़रूरी है कि मीडिया अच्छी सकाफत, मुफ्त सेहत के प्रोग्राम, मुफ्त तालीम और लोगों को शऊर बेदार करने की बुनियाद फराहम करने में अपनी एक जिम्मेदारी का एहसास करे. तशद्दुद के मनाजर या परेशान कुन लोगों को दिखाते हुए मीडिया को सेंसरशिप के कानून का ख्याल करना चाहिए. इन्हें सियासी टॉक शोज में शरीक अफराद के साथ सख्त ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करना चाहिए और सनसनीखेज खबरों से परहेज करना चाहिए. तशद्दुद की खबरों के बार बार टेलीकास्ट करने के बाद ज़ाब्ता तौर पर निगरानी करनी चाहिए या निगरानी की जानी चाहिए, जैसे कि हमारे अथॉरिटीज़ हैं जो करती हैं, क्योंकि इससे लोगों में खौफ हरास फैलता है. मुस्बत और पुरुमीद खबर के जरिए किसी भी मायूस कुन वाक़े की खबर को या उसकी कवरेज को इस अंदाज से नशर किया जाना चाहिए जिससे सामईन की शख्सियत पर इसके मनफी असरात मुरतब ना हों. अब ये जो एक स्ट्रैटेजी बताई गई है ये इस पर बहुत सारे सवाल उठेंगे न्यूज़ चैनल की तरफ से कि जी इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक बंदा मर गया हम उसमें से पॉजिटिव चीज़ कैसे निकालें. देखें, हर चीज़ का रास्ता होता है इफ़ यू हैव अ विल. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मौत से कोई अच्छी खबर मिल सकती, खुदा नखास्ता, लेकिन देर हैज़ टू बी समथिंग गुड इन द न्यूज़. ठीक है, मुझे जो है इसके बारे में मज़ीद ज़्यादा तफसील लेने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है या इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. न्यूज़ चैनल में मुझसे ज़्यादा प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं जो इस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं. लेट्स से इफ़ वी हैव नेगेटिव न्यूज़ दैन वी शुड इंक्रीज द शेयर ऑफ द गुड न्यूज़. ठीक है, जिस तरह आप लोगों को दौड़ाते हैं, रिपोर्टर्स को दौड़ाते हैं कि जी आप खबरें लेकर आए, ठीक है, उसमें एक रिपोर्टर का एक ऐसा चंक भी होना चाहिए जो कि गुड न्यूज़ की तरफ जाए. जैसे हमारे जो है वो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हमारे स्टूडेंट्स करते रहते हैं, हमारे जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट नहीं हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं उसके बावजूद वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, वाई कांट वी गो ऑन दैट न्यूज़ एज वेल. मैं ही समझता हूँ कि इस वक्त मेरा ये ओपिनियन है कि इस वक्त न्यूज़ चैनल्स पर, ख़ास तौर पर न्यूज़ चैनल्स पर
जो एक अच्छी खबर है या एक अच्छी डेवलपमेंट की जो खबर है वो शायद 10% से भी कम है, तो इस शेयर को ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम ये किस तरह करें, तो खुदा के वास्ते आप वेस्ट में जाके वहाँ के चैनल्स को देख लें, वो टेलीकास्ट देख लें जो वेस्ट से पाकिस्तान में डिलीवर हो रही है। हाउ फार दे आर डिलीवरिंग द नेगेटिव न्यूज़ अबाउट देयर ओन कंट्री, ठीक है ना। मैं गवाह हूँ इस बात का कि लंदन के अंदर जो है डेली बेसिस पे 1 से 2 स्टैबिंग के केस होते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि उसमें से कितने केसेस वो अपने चैनल पर डिलीवर करते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, वी हैव टू ब्रिंग गुड न्यूज टू आवर न्यूज चैनल्स। और अगर आपका कोई ओपिनियन है इस आर्टिकल के बारे में, तो हमें इसके बारे में ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, एंड वी विल ब्रिंग मोर न्यू आर्टिकल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज फॉर यू। अब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।